नमस्कार दोस्तों, उन्नति कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट 10 आधुनिक भारत। जी हाँ, अब स्टार्ट हो चुका है आधुनिक भारत। भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन किस प्रकार से हुआ, उससे क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम बात करेंगे बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य, और अगला टॉपिक होगा हमारा अंग्रेजों के मैसूर से संबंध, क्या क्या रणनीति उनकी क्या क्या रही थी, सिख एवं अंग्रेज इत्यादि। पार्ट 9 में हमने डिस्कस करा था, अगर आपने पार्ट 9 नहीं देखा है तो आप उस पार्ट 9 को जरूर देखिएगा। उसमें हमने बात करी थी मुगल साम्राज्य के बारे में, बाबर, हुमायूं, शेरशाह, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, और मुगल शासन की व्यवस्था क्या क्या थी उसके बारे में हमने डिस्कस करा था, और हमने डिस्कस करा था उसके बारे में मराठों का उत्कर्ष। और पार्ट 9 के एंड में मैंने आपसे डिस्कस करा था 30 रुपीज़ के बारे में, वो स्टूडेंट के बारे में। उससे संबंधित भी काफ़ी सारे मुझको मेल मिले कि सर इस चैनल को बंद मत करना, वीडियो कंटिन्यू चलने दो। मतलब एक छोटा सा इंसिडेंस था, शायद आपको नहीं पता होगा, अगर आपने पार्ट 9 नहीं देखा है तो वो आप पार्ट 9 देखिएगा, इसके बारे में मैं अगेन डिस्कस नहीं करूँगा। चलिए ठीक है, मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ, और खुद ही अब फिलहाल मैं इस बुक को स्कैन कर रहा हूँ, एक एक पेज को ब्रेक करके बैक टू बैक उसकी स्कैनिंग कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वीडियो केवल ये एक बार ही बनने वाला है, बार बार ये वीडियो नहीं बनता है देखिए, और एक बार में मैं क्वालिटी काफ़ी सही चाहता हूँ पीडीएफ फाइल की। तो देखिए, जैसे कि आपके सामने ये पीडीएफ फाइल है, मैंने अगेन एक बुक को ब्रेक करा है, उस ब्रेक करने के बाद में बैक टू बैक खुद स्कैन करा है। अब आपके सामने हर एक व्यू बिल्कुल क्लियर होगा, कोई भी अक्षर कोने में दबा हुआ नहीं होगा, छुपा हुआ नहीं होगा। जैसे आपने पार्ट 9 में देखा था, सेम मैंने पार्ट 10 को बनाया है, सेम स्कैनिंग चली है मेरी। चलिए, बात बहुत अधिक हुई, अब मैं करता हूँ आज का ये वीडियो स्टार्ट। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, ये बात की फॉर्मेलिटी है, ये वीडियो को एंड में कहूँगा, लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो बुक को मार्केट से परचेज़ कर लीजिए। अगर बुक को मार्केट से परचेज आप नहीं कर सकते हैं, आपके नियर में कोई मार्केट नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन पे इस बुक का मैं लिंक दूंगा, वहाँ से आप इस बुक को परचेज़ कर सकते हैं। बुक को परचेज़ करिए और वीडियो को सामने देखिए, और मेन पॉइंट जो भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उन सबको मैं हाईलाइट करूंगा, जो ऑलरेडी मैंने ग्रीन पेन से, ये ब्लू पेन से मैंने हाईलाइट कर रखे थे। पहले मैं बुक में करता हूं अंडरलाइन, उसके बाद में मैं स्कैन करता हूं, उसके बाद में मैं यहां पे आपको वीडियो के माध्यम से भी हाईलाइट करवाता हूं। तो आप ठीक है, लेके बैठिए बुक और चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो, आधुनिक भारत और उत्तरकालीन मुगल सम्राट क्या क्या थे उसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। देखिए, उत्तराधिकार जो युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया था, तो एक युद्ध हुआ था जिसका नाम क्या था, उसका नाम था उत्तराधिकारी युद्ध। इस युद्ध को हाईलाइट करते हैं, तो ये युद्ध किसने किसका साथ दिया था, गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का इसमें साथ दिया था। और बहादुर शाह का जो पूर्व नाम है वो क्या है, बहादुर शाह का जो पूर्व नाम था वो है आपका मुअज्जम। बहादुर शाह को शाह एक खबर के उपनाम से पुकारा जाता है। बहादुर शाह का अन्य नाम क्या है, वो है आपका शाह एक खबर। तो आप एक बार इसको बोलिए, इस नाम को शाह एक खबर। देखिए, बाकी के जो पॉइंट हैं वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपको एक एक लाइन पढ़ाई जाए, तो इस तरह से क्या होगा, वीडियो की लेंथ शायद पूरी लूसेंट बुक एक साल से डेढ़ साल में कंप्लीट होगी। अगर आपको एक एक लाइन पढ़ने का मन है तो आप ऑडियो फाइल सुन लीजिए, वहाँ पर एक एक लाइन आपको सुनाई गई है, दिखाई नहीं, केवल सुनाई गई है, आप वहाँ से सुन लीजिए। बुक तो आपके सामने है ही, आप देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, वैसे भी आप स्टडी कर सकते हैं, बट मैं केवल और केवल इस वीडियो में वही चीज़ कवर करूंगा जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगी, सभी एग्जाम के लिए, स्टेट पीसीएस एग्जाम तक के लिए, जो बच्चे प्रीलिम्स का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए भी, ठीक है। देखिए, अगला जो फैक्ट है वो है हमारे सामने कि जहांदार शाह को लंपट मूरख भी कहा जाता है। किसको लंपट मूरख कहते थे, किस शासक को, किस राजा को लंपट मूरख की संज्ञा दी गई है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है जहांदार शाह। सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक रुझान के कारण मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता है। किसको रंगीला बादशाह की उपाधि दी जाती है, वो है आपका मोहम्मद शाह।
ये क्या करता था, सुंदर लेडीज के प्रति क्या होता था, काफी अट्रैक्ट हो जाता था बहुत जल्दी, और ये बहुत जल्दी मूर्ख बन जाता था। इसको क्या बोलते थे, रंगीला बोलते थे। एक संगीतकार के रूप में मोहम्मद शाह ने अनेक ख्यालों की रचना की थी। आगे हम देखिए बात करते हैं कि हैदराबाद की स्थापना, जो हैदराबाद की स्थापना है तुरानियों ने, और अवध की स्थापना किसने करी थी, ईरानियों ने। हैदराबाद की स्थापना किसने करी थी, तुरानियों ने, और अवध की स्थापना किसने करी थी, ईरानियों ने। आप इसको हाईलाइट कर लीजिएगा दोनों को, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे हम अगले फैक्ट की ओर, कि तख्ते ताऊस, ये फैक्ट की बात कर रहा हूं मैं। तख्ते ताऊस मतलब मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था। तो ये अंतिम मुगल शासक जो था उसका नाम था मोहम्मद शाह। क्या था, मोहम्मद शाह। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था, पानीपत का तीसरा जो वॉर हुआ था वो हुआ था 1761 में। कब, 1761 में मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली की सेना के बीच हुआ था। और इसमें क्या हुआ था, इस युद्ध में मराठों की हार हुई थी। गुलाम कादिर खान ने 1806 ईस्वी को शाह आलम सेकंड की हत्या करवा दी थी। किसने किसकी हत्या करवाई थी, गुलाम कादिर खान ने शाह आलम सेकंड की हत्या कराई थी, और कब कराई थी, ये कराई थी 1806 ईस्वी में। तो दोनों ही पॉइंट आपको अच्छे से याद करने हैं। देखिए बच्चों, बुक कोई खराब नहीं होती। अगर आपके एग्जाम में ये काफी डीप क्वेश्चंस पूछा गया है, जैसे कि गुलाम कादिर खान ने शाह आलम सेकंड की हत्या कब करवाई गई थी, तो आपने केवल यहाँ पे सुन लिया और इस 1806 पे फोकस नहीं करा, और आपको एग्जाम में वो चीज़ याद नहीं रही। एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ लिया लेकिन आपको नहीं आया, तो आकर हम लोग क्या कहते हैं, यार वो बुक में से कुछ नहीं आया, उस वीडियो में से कुछ नहीं आया, सबका सब बकवास है, ठीक है। अगर सब कुछ बकवास है तो सही क्या है, आप हमको बता दीजिए, अपने आप को बता दीजिए पहले, हमको तो बाद में। तो बुक को हम लोग एक्चुअली ढंग से नहीं पढ़ पाते। लूसेंट बुक आप लोग खरीद के लेके आ रखे होंगे, काफ़ी साल से आपकी बुक सेल्फ की शोभा बनी पड़ी होगी, ठीक है, मिट्टी खा रही होगी कहीं ना कहीं, लेकिन आपने कभी उसको नहीं पढ़ा। ये बुक काफ़ी बेसिक बुक है, मैं आपको बोलूँगा, आप कोई भी कंपटीशन की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, इस बुक को आपने ईमानदारी के साथ खत्म करना है। अंडरलाइन ईमानदारी, उसको भी आप हाईलाइट कर लीजिए जैसे मैं इन सभी वर्डों को कर रहा हूँ। ईमानदारी का मतलब ये है कि ध्यान से उस बुक को पढ़िए, ये नहीं कि बुक को खोल के बैठे पड़े हैं, बस केवल ध्यान जा रहा है कि मम्मी ने ये बोला, पापा ने ये बोला, उसने ये बोला, फेसबुक में ये मैसेज आया था, उसने मुझे व्हाट्सअप पे ऐसा क्यों बोला, यार कल क्या होगा, परसों क्या होगा। फिलहाल ये सब टेंशन अपनी साइड में रखिए और केवल पढ़ाई पे ध्यान लगाइए, ठीक है। पढ़ाई पे ध्यान लगाएंगे जल्दी सिलेक्शन होगा, इन फालतू चीज़ों में उलझे रहोगे तो सिलेक्शन कब होगा वो तो राम जाने या फिर आप जाने। मैं देखता हूँ कि काफ़ी सारे बच्चे बुक को परचेज करते हैं बट ढंग से पढ़ते नहीं हैं, अभी भी कुछ बच्चे शायद नोट्स ना बना रहे हों। तो प्लीज़, अगर हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं तो मैं चाहता हूँ कि आप भी अपने प्रति मेहनत करें। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस केवल यही चाहिए कि मुझे कमेंट बॉक्स में आप एक कमेंट्स लिख कर भेजेंगे कि मेरा यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। ये मेरा टारगेट है वीडियो बनाने का, एक बुक को ख़त्म करना, पहले हाईलाइट करना, फिर दोबारा उसको येलो से हाईलाइट करना, बोलना, रिकॉर्डिंग करना, बहुत समय लगता है इन सब चीज़ों में। और अगर आप मेरे समय की कदर करेंगे तो मैं चाहता हूँ कि आपका सिलेक्शन पक्का होगा, मुझे भी वीडियो बनाने में मजा आएगा। फिलहाल बढ़ते हैं हम लोग आगे अगले फैक्ट की ओर, कि 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को बंदी तो बना लिया गया था, लेकिन उसके बाद में क्या हो गया था, इसको रंगून भेज दिया गया था। अगर जो बच्चे दिल्ली में रहते हैं उनको शायद पता होगा, 1857 की क्रांति में बहादुर शाह जफर के तीन पुत्र थे, तीनों पुत्रों को चांदनी चौक का एक एक एरिया है जहाँ पे चांदनी चौक का पुलिस स्टेशन है, ठीक है, हरदिया लाइब्रेरी है, उसके बैक साइड में देखेंगे आप पुलिस स्टेशन है, तो वहाँ पे एक लोहे का बड़ा सा एक दरवाजा टाइप का बन रखा है, आज भी वो आपको देखने को मिलेगा, पुलिस स्टेशन के पास में ही है। तो वहाँ पे क्या करा था, बहादुर शाह जफर के तीनों पुत्रों को लटकाया गया था और जिंदा जिंदे शरीर पर उनके ऊपर तलवार से घाव करे गए थे, और बहादुर शाह जफर को ये दिखाया था कि देख तूने हमारे साथ दगाबाजी करी थी तो उसका तेरा ये अंजाम ये है। वो उस टाइम पे बहादुर शाह जफर खून के आंसू रोया था, 3 दिन तक, 4 दिन तक बेटों की लाश को लटकाया गया था जब तक उनकी बॉडी में से पूरा खून नहीं निकल गया, पूरा का पूरा खून निकाला गया और उसके बाद में उनकी लाश को नीचे गेर दिया गया। ये थी अंग्रेजों की करतूत।
सोचो अपने बेटों के, मतलब बाप अपने बेटों की हत्या अपने आंखों के सामने देख रहा है, एक की नहीं, दो की नहीं, बल्कि तीन तीन की। और इसका प्रचार करा गया, हर लोगों को बुलाया गया और कहा गया कि कल चढ़ेंगे तीनों पुत्र बहादुर शाह जफर के सूली पर, देखिए कैसे टुकड़े हम करते हैं। तो इस टाइप के पैम्पलेट वगैरह बंटवाए गए थे। तो अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो उस जगह को देखना प्लीज मत भूलिएगा। आगे हम बात करते हैं, देखिए अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम अहमद खान था और इसने 8 बार भारत पर आक्रमण करा था। किसने भारत पर 8 बार आक्रमण करा था, उसका नाम क्या है? उसका नाम है अहमद शाह अब्दाली। अब हम बात करते हैं आगे, भारत में यूरोपीय व्यापारी कंपनियों का आगमन। आप देखिएगा अपनी बुक में, आपके पास कोई भी बुक हो, नई वाली पुरानी वाली, तो उसमें क्या होगा इस फैक्ट के बाद में, जो अभी हमने फैक्ट देखा, अभी हमने बात किसकी करी थी, उत्तरकालीन मुगल सम्राट की, उसके बाद ही अगला जो फैक्ट होगा वो आपके सामने बुक में होगा, भारत में यूरोपीय व्यापारी कंपनियों का आगमन। ये 37 36 चेंज हो सकते हैं, कुछ बच्चे अगर नई बुक में देख रहे हैं तो वहाँ पे शायद ये पॉइंट थोड़े चेंज हो सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़ी सी देख लेना अपनी बुक में। अभी हम बात करते हैं, देखिए 17 मई 1498 में वास्को डिगामा ने भारत के पश्चिमी तट पर कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत एवं यूरोप के बीच में नई समुद्रीय मार्ग की खोज करी। मार्ग की खोज कब करी थी? 17 मई 1498 में। किसने करी थी? वास्को डिगामा ने, ठीक है। और ये व्यापार के लिए यहाँ पे आया था, भारत में व्यापार का इसका मेन पर्पज था। और कौन से बंदरगाह पर ये उतरा था? ये उतरा था कालीकट बंदरगाह के तट पर ये पहुंचा था। और ये कहाँ पर है? भारत के पश्चिमी तट पर है। भारत के पश्चिमी तट पर जो कालीकट बंदरगाह है वहां पर पहुंचकर भारत एवं यूरोप के बीच में नए समुद्री मार्ग की खोज करी थी। किसने? वास्को डिगामा ने 1498 में। तो ये वर्ष काफी ध्यान रखिएगा, 1498। आगे बात करते हैं, 1505 में फ्रांसिस्को दा अल्मेडा भारत का प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर भारत आया था। भारत का प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था? वो था फ्रांसिस्को दी अल्मेडा। लेकिन ये कब आया था भारत? ये आया था 1505 में। कब आया था? 1505 में। 1509 ईस्वी में अल्फांसो द अल्बुकर्क भारत में पुर्तगाली का वायसराय बना। भारत में पुर्तगाली का वायसराय 1509 में कौन बना था? उसका नाम क्या है? उसका नाम है अल्फांसो द अल्बुकर्क। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ पर स्थापित करी? तो वो करी थी कोचीन में। कहाँ पर करी थी? कोचीन में। आगे हम बात करते हैं, देखिए आगे कुछ खास नहीं है, अब बस इसमें एक पॉइंट और लिख लीजिए आप, कि डचों ने भारत पर प्रथम बार औद्योगिक वेतन भोगी रखे, मतलब उनको सैलरी बेस पर पहली बार डचों ने भारत के लोगों को रखा। और डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1759 ईस्वी को। कब हुआ था? 1759 को अंग्रेजों एवं डचों के मध्य हुए वेदरा युद्ध से हुआ था। डचों का भारत में जो अंत हुआ था वो हुआ था अंग्रेजों और डचों के मध्य एक युद्ध हुआ था। और इस युद्ध का नाम क्या है? इस युद्ध का नाम है आपका वेदरा। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान करा और भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी 217 साझेदारी थे इसमें। और पहला गवर्नर कौन था? पहला गवर्नर था टॉमस स्मिथ। मुगल दरबार में जाने वाला मोस्ट टाइम पे क्वेश्चंस, इसको मैं हाईलाइट यहाँ पे करूंगा, ठीक है, क्योंकि ये पूरी लाइन आपको लिखनी है या फिर अंडरलाइन करनी है अपनी बुक में। मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज, पहला अंग्रेज कौन था? कैप्टन हॉकिंस था, जो जेम्स प्रथम का राजदूत के रूप में अप्रैल 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में पहुंचा था। व्यापार की दृष्टि से कि हमको व्यापार करना है यहाँ पर, परमिशन दो, तो जो प्रथम अंग्रेज था वो था कैप्टन हॉकिंस। इसमें एक नोट और दे रखा है कि भारत में आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन था? पहला अंग्रेजी जहाज था आपका रेड ड्रैगन। कौन था? रेड ड्रैगन। अब हम बात करते हैं कंपनी और उसके स्थापना वर्ष की, तो ये पूरा का पूरा आपको नोट करना है, इसमें कुछ भी स्किप नहीं करना है आपको। अगर स्किप करने लायक होता तो मैं पक्का स्किप करवाता, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ भी स्किप नहीं करना है। यहाँ पर हम बात करते हैं, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1498 में और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1600 में। डच की स्थापना 1602 में, डेनिस की 1616 में, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में और स्वीडिश
ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1731 में। तो आप चाहें तो स्वीडिश को छोड़ सकते हैं, लेकिन बाकी सब आपको नोट करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। इसमें से मैं कुछ भी स्किप नहीं कराऊंगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए आगे जो फैक्ट है वो है कि 1611 ईस्वी में दक्षिणी पूर्व समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मसूली पट्टम, इसे मसूली पट्टनम भी बोलते हैं, वहां पर व्यापारिक कोठी की स्थापना करी। तो यहाँ पर आपका मसूली पट्टनम, मसूली पट्टम कुछ भी दे सकता है, वहां पर आप ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करते हैं, देखिए पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने अपना प्रथम व्यापारिक कोठी मसूली पट्टनम में कब करी थी? 1611 में, ये इसका वर्ष दिया गया है, मसूली पट्टनम में 1611 ईस्वी में। और जबकि पश्चिमी तट पे बात करी जाए तो पश्चिमी तट पर इन्होंने सूरत में करी थी 1613 में। पहली जो करी थी 1611 में मछलीपट्टनम में, सेकंड इन्होंने जो कोठी खोली थी अपनी, कोठी मतलब फैक्ट्री स्थापित करी थी, वो करी थी पश्चिमी तट पर सूरत में 1613 में। व्यापारिक कोठी इन्होंने अपनी स्थापित करी थी। पहली बार सूरत में 1608 में व्यापारिक कोठी स्थापित करने का इन्होंने प्रयास किया था, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया था। अगला जो फैक्ट है, जो पॉइंट है, वो है 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स फर्स्ट ने सर टॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा था। तो पहली बात तो आप याद रखिएगा, सर टॉमस रो के बारे में कब भेजा था? 1615 में भेजा था, और किसके राज दरबार में भेजा था? जहांगीर के राज दरबार में। तीनों ही फैक्ट आपको याद करने हैं, 1615, जहांगीर और सर टॉमस रो। और किसने भेजा था? सम्राट का नाम भी हो सके तो याद कर लीजिएगा, जेम्स फर्स्ट। देखिए रो जो था, रो मतलब कि सर टॉमस रो की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। रो फरवरी 1619 तक भारत में रहा, ठीक है। 1615 में आया और 1619 तक, पूरे 4 वर्ष तक ये भारत में रहा। रो जहांगीर एवं खुर्रम, खुर्रम बोलते हैं शाहजहां से अंग्रेजों के लिए व्यापारिक छूट प्राप्त करने में सफल हो चुका था। आगे हम देखिए अगला फैक्ट बात करते हैं। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान, ये पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहला फरमान दिया, जिसके अनुसार अंग्रेज सुल्तान को 500 पगोडा वार्षिक कर देकर गोलकुंडा राज्य के बंदरगाह पर स्वतंत्र पूर्वक व्यापार कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा राज्य था? ये था आपका गोलकुंडा राज्य, और ये जो फरमान था इसका नाम था गोल्डन फरमान, मतलब सुनहला फरमान। किसने किसको दिया था, ये सब आप एक बार देख लीजिएगा। आगे बात करते हैं, देखिए 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर लिया। किसने पट्टे पर लिया? फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से पट्टे पर मतलब लीज पर लिया ये, ठीक है। मद्रास, पूरा मद्रास पट्टे पर ले लिया। पहले ऐसे ही करते थे, बहुत मतलब मद्रास बहुत ही बड़ा था तो पूरा पट्टे पर लिया, और वहीं एक किलाबंदी कोठी का निर्माण कराया। इस कोठी का नाम क्या था? एग्जाम में ये पूछ लेता है आपसे। इस कोठी का नाम था फोर्ट सेंट जॉर्ज पड़ा, और यही फोर्ट सेंट जॉर्ज कालांतर में कोरोमंडल तट पर अंग्रेजी मुख्यालय बना। उसके बाद हम देखिए बात करते हैं कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा के बारे में, थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखिए 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा एवं ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह हुआ। इस अवसर पर दहेज के रूप में पुर्तगालियों ने चार्ल्स सेकंड को मुंबई प्रदान करा। जिन बच्चों को काफी टाइम हो गया तैयारी करते हुए, उनको ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे से पता होगा, और ये क्वेश्चंस कितना इंपॉर्टेंट है ये भी उनको अच्छे से पता होगा। किसने किसको मुंबई दान दिया दहेज में, कौन सा राजा था, और किसने उसकी बेटी का नाम क्या था? तो ये सब आप एक बार दोबारा देख लीजिएगा, इस वीडियो को पॉज करिए, उसको खुद पढ़िएगा, ठीक है। गेराल्ड अंगियार, सूरत का प्रेसिडेंट एवं मुंबई का गवर्नर, ने मुंबई शहर की स्थापना करी थी। 1674 ईस्वी में फ्रांसिस मार्टिन ने पांडिचेरी की स्थापना करी थी। पांडिचेरी की स्थापना कब और किसने करी थी? ये करी थी फ्रांसिस मार्टिन ने 1674 में। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से लेकर 48 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकारी युद्ध में प्रभावित हुआ था, और 1748 ईस्वी में हुई ए ला सापल की संधि के द्वारा ऑस्ट्रेलिया का उत्तराधिकारी युद्ध समाप्त हो गया। इस युद्ध के तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध भी समाप्त हुआ। अब हम बात करते हैं, देखिए द्वितीय कर्नाटक युद्ध। देखिए इसमें ना आपको केवल और केवल फिलहाल जो फोकस करना है एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो केवल ये फोकस करना है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था, सेकंड कब हुआ था, और थर्ड कब हुआ था, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, ये आपको वर्ष याद करने हैं। ठीक है,
1760 में अंग्रेजी सेना ने सर आयरकुट के नेतृत्व में वाडीवस की लड़ाई में फ्रांसीसी को बुरी तरह से लड़ा दिया, मतलब हरा दिया। 1761 ईस्वी में अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लिया। कब छीना फ्रांसीसी से? 1761 में अंग्रेजों ने। अब हम बात करते हैं बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य। मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रांतों में बंगाल सर्वाधिक संपन्न राज्य था, ठीक है। सबसे ज्यादा जो संपन्न राज्य था वो कौन सा था? बंगाल, याद रखिएगा। क्या? बंगाल। मुर्शिद कुली खां स्वतंत्र शासक था, परंतु वह नियमित रूप से मुगल बादशाह को राजस्व भेजता था। इसके बाद हम बात करेंगे 1740 के गिरिया के युद्ध के बारे में। इसमें सरफराज को मारकर बिहार के सर सूबेदार अली वर्दी खां बंगाल का नवाब बना। बंगाल का नवाब किस कंडीशन में बना? ये गिरिया का युद्ध हुआ, सरफराज को मारा और बाद में क्या हो गया, अली वर्दी खां यहाँ का नवाब बना। इसने अपने शासनकाल में मुगलों के राजस्व देना इन्होंने बंद कर दिया। इसके शासनकाल में बंगाल इतना समृद्धिशील बन गया कि बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। भारत का स्वर्ग किसको कहते थे हम लोग? पहले बंगाल को। और इसका उत्तराधिकारी या फिर जो था इसका दामाद था, उसका नाम क्या था? उसका नाम था सिराजुद्दौला। अब इसके बाद मैं बढ़ूंगा फिलहाल इस फैक्ट की ओर के बंगाल के नवाब के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा, और केवल वो डिस्कस करूंगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम इसमें बात करेंगे। देखिए मुर्शिद कुली खां जो था 1713 से लेकर 1727 ईस्वी तक बना रहा, ठीक है। ये बंगाल का नवाब था और बंगाल का नवाब वो कब से कब तक बने रहे इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहला जो नंबर है आपका मुर्शिद कुली खां, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, मुर्शिद कुली खां। और उसके बाद हम बात करते हैं सरफराज के बारे में, फिर हम बात करेंगे अलवर्दी खां के बारे में, और फिर आप देखेंगे मीर कासिम। तो मीर कासिम के कंटिन्यू आप याद रखिएगा, बंगाल का ये बना 1757 से लेकर के डेट याद करिए 1765 तक, तो ये बीच के वर्ष छोड़ दो। ये मीर जाफर, मीर कासिम और मीर जाफर, चाहो तो आप इसमें से मीर कासिम को स्किप कर सकते हो। रुकिए, फिर आप एक काम करिए कि केवल केवल मीर कासिम को याद कर लीजिए, बहुत इतना, क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। 1 2 3 4 मतलब 1 3 4 7 मोस्ट एमपी क्वेश्चंस, केवल केवल इसको याद करिए। बंगाल के नवाब ये कब से कब तक बने थे ये सभी वर्ड्स आप पेन डाउन कर लीजिएगा या हाईलाइट कर लीजिएगा, उसको याद करना मत भूलिएगा। आगे बात करते हैं। देखिए 20 जून 1756 को कालकोठरी की त्रासदी, मतलब ब्लैक हॉल ट्रेजेडी नामक एक घटना थी, और इस घटना के रचयिता जेड हॉलवेल के अनुसार नवाब सिराजुद्दौला ने क्या करा था? इसने ये करा था कि 20 जून की रात को 146 अंग्रेज व्यक्तियों को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया गया था, और अगले दिन 146 में से मात्र बचे थे 23 व्यक्ति जिंदा बचे थे। मतलब कि कमरा इतना छोटा था कि उसमें मात्र आ सकते थे 50 लोग या फिर 40 लोग, मतलब लेटे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, खड़े खड़े मतलब बीच बीच के आपस में ये लोग आए, लेकिन उसने क्या करा, छोटी सी कोठरी बनाई, उसमें जबरदस्ती उनको डाला 146 लोगों को। अगले दिन सुबह जब गेट खोला तो उसमें से लाश ही लाश बाहर निकली, काफी मरे हुए लोग वापस निकले, केवल 23 व्यक्ति जिंदा बचे, और कुछ दिन बाद वो भी क्या हुआ, सांस की वजह से वो खत्म हो गए। तो इसे बोलते हैं काल कोठरी की त्रासदी। कब हुई थी? 20 जून 1756 को। और कितने लोगों में से कितने लोग जिंदा बचे थे? 146 में से केवल मात्र बचे थे 23 व्यक्ति। तो इस तरह से आपको याद करना है, ये वर्ष याद करना है, काल कोठरी की त्रासदी कब हुई थी और कितने लोगों में से कितने लोग जीवित बचे थे। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 को। अंग्रेजों के सेनापति थे एक रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। तो प्लासी का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव के बीच में और सिराजुद्दौला के बीच में। कब हुआ था? 23 जून 1757 को। जो जो पॉइंट हाईलाइट कर रखे हैं केवल केवल उस पर फोकस करना अभी फिलहाल, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें नवाब अपने सेनापति मीर जाफर की धोखाधड़ी करने के कारण पराजित हुए थे और अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया था। आगे देखिए, छोटा सा एक नोट है कि प्लासी की लड़ाई में मोहनलाल एवं मीर मदान के नेतृत्व में एक छोटी सेना नवाब के वफादार रही और मीर मदान लड़ते हुए मारा गया। क्लाइव के हाथों में कठपुतली नवाब मीर जाफर को अंग्रेजों ने 1760 ईस्वी में हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। और मीर कासिम ने अपनी राजधानी
को मुर्शिदाबाद से मुंगेर में स्थानांतरित करा। और बंगाल की राजधानी का जो क्रम रहा था, पहले राजधानी थी ढाका, फिर मुर्शिदाबाद, फिर हुई मुंगेर। और अब हम बात करते हैं बक्सर का युद्ध। ये कब हुआ था? 1764 में। और अंग्रेजों एवं मीर कासिम, अवध के नवाब शजादुद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच में हुआ था। इस युद्ध में भी क्या हुआ था? अंग्रेज विजय रहे थे। इस युद्ध में कौन विजय रहे थे? अंग्रेज। और इस युद्ध में अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो थे। अंग्रेज सेनापति कौन थे? ये थे हेक्टर मुनरो। और बक्सर के युद्ध के बाद एक बार फिर मीर कासिम की जगह मीर जाफर को नवाब बना दिया गया। और 5 जनवरी 1765 में मीर जाफर की डेथ हुई। अब हम बात करते हैं अंग्रेजों के मैसूर से संबंध। 1761 ईस्वी में हैदर अली मैसूर का शासक बना। ठीक है, मैसूर का शासक जो हैदर अली था वो कब बना था? 1761 में। और हैदर अली की डेथ कब हुई थी? 1782 में, द्वितीय आंगल मैसूर युद्ध के दौरान। आंगल युद्ध टोटल कितने हुए थे? 4 हुए थे, जैसा कि अभी आप नीचे देखेंगे। देखिए यहाँ पर मैं हाईलाइट करता हूँ उसको। तो कौन कौन सा युद्ध कब हुआ था, कौन से टाइम पे गवर्नर जनरल था, ये भी आपसे एग्जाम में पूछेगा। तो आपको ये पूरा का पूरा कंप्लीट नोट करना है, कुछ भी स्किप नहीं करना है। ठीक है, प्रथम हुआ था आपका 1767 to 69, द्वितीय आंगल मैसूर युद्ध हुआ था 1780 से 1784 के बीच में, तब थे आपके गवर्नर जनरल वॉरन हास्टिंग्स। और तीसरा हुआ था 1790 से लेकर 92 के बीच में, और उस टाइम पे गवर्नर थे कॉर्नवालिस। और चौथा हुआ था 1799 में लॉर्ड वेलेसली। अब हैदर अली का उत्तराधिकारी कौन था? जब उसकी डेथ हो गई तो उसका उत्तराधिकारी कोई ना कोई तो बनेगा बनेगा, तो वो था आपका टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, इनका नाम आपने सुना होगा। अब हम बात करते हैं कि 1787 में टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में पादशाह की उपाधि धारण करी थी। किसकी? पादशाह की उपाधि धारण करी थी। टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का एक वृक्ष लगाया था। श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगवाया था, आपको ये पूछ सकता है क्वेश्चन में, तो आपको याद रखना है टीपू सुल्तान ने। साथ ही जकोबीन क्लब का ये सदस्य भी बना था। टीपू की मृत्यु श्रीरंगपट्टनम के आखिरी युद्ध यानी कि चौथे आंगल मैसूर युद्ध के दौरान, ये कब हुआ था? जैसे अभी हमने ऊपर देखा 1799 में हुआ था। और टीपू सुल्तान को शेरे मैसूर भी कहा जाता है। किसको शेरे मैसूर कहा जाता है? टीपू सुल्तान को। और टीपू सुल्तान की डेथ कब हुई थी? चौथे आंगल मैसूर युद्ध में। और कब हुई थी? 1799 में, ये आप लिख लीजिएगा एक बार। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। देखिए प्रथम आंगल मैसूर युद्ध हुआ था, मद्रास की संधि, महत्वपूर्ण संधि जो हुई थी उसके बारे में आप देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं सिख एवं अंग्रेज के बारे में। सिख एवं अंग्रेज, सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय गुरु नानक, मतलब ये प्रथम गुरु थे सिख धर्म के, तो प्रथम गुरु ने करा था। और गुरु नानक के अनुयायी ही सिख कहलाते थे। ये बादशाह बाबर एवं हुमायूं के समकालीन थे। सन 1496 ईस्वी को कार्तिक पूर्णिमा को नानक को अत्यधिक मतलब आध्यात्मिक पुनर्जीवन का आभास हुआ था। गुरु नानक ने गुरु का लंगर नामक निःशुल्क सहभागी भोजनालय की स्थापित किया। जो आप देखते हैं लंगर वंगर जो लगता था, तो लंगर मतलब ये जो देन थी, लंगर लगना चाहिए, तो ये था आपका गुरु नानक का। आगे हम बात करते हैं गुरु नानक की सन 1539 ईस्वी में करतारपुर में डेथ हो गई थी। इनकी डेथ कहाँ पे हुई थी? करतारपुर में। कब हुई थी? 1539 में। गुरु अंगद सिखों के दूसरे गुरु थे। इनका प्रारंभिक नाम क्या था? इनका नाम था लहना। और गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने करा था? ये करा था गुरुमुखी गुरु अंगद ने। गुरुमुखी लिपि का किसने शुरुआत करी थी, आरंभ किसने करा था? ये करा था गुरु अंगद ने। और सिखों के तीसरे गुरु कौन थे? अमरदास। और इसमें हम बात करते हैं, देखिए कि हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति लवन को प्रचलित किया। गुरु अमरदास ने हिंदुओं से पृथक होने वाले कई कार्य किए, जैसे हिंदुओं में अलग विवाह पद्धति लवन को इन्होंने प्रचलित करा। और अकबर ने गुरु अमरदास से गोविंदवाल जाकर भेंट की, और गुरु पुत्री बीबी भानी को कई गांव दान में दिए। गुरु अर्जुन के बारे में बात करते हैं। ये पांचवे गुरु थे, और इन्होंने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना करी थी। आदि ग्रंथ की रचना किसने करी थी? ये करी थी गुरु अर्जुन देव ने। अगला और केवल लास्ट पॉइंट है इस पेज पर कि गुरु अर्जुन ने अमृतसर जलाशय के मध्य में हरमंदिर साहब का निर्माण किया था।
और राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने क्या करा था? 1606 ईस्वी में गुरु अर्जुन को मरवा दिया था, उनकी हत्या करवा दी थी। सिखों के छठे गुरु थे हरगोविंद, ठीक है। इन्होंने अकाल तख्त या ईश्वर के सिंहासन का निर्माण कराया था। अकाल तख्त का निर्माण किसने कराया था, ईश्वर के सिंहासन का निर्माण किसने कराया था, तो वो कराया था आपका छठे गुरु थे जो थे वो थे हरगोविंद, उन्होंने ये कार्य करवाया था। ये दो तलवार बांधकर गद्दी पर बैठते थे और दरबार में नगाड़ा बजाने की व्यवस्था की गई थी। इन्होंने अमृतसर की किलेबंदी भी कराई, और उसके हम बात करते हैं बाद में आठवें गुरु के बारे में। आठवें गुरु कौन है? हरकिशन। आठवें गुरु कौन है? हरकिशन। इनकी मृत्यु कैसे हुई थी? चेचक के द्वारा हुई थी। सिखों के नौवे गुरु जो थे वो थे आपके, सिखों के नौवे गुरु गुरु तेग बहादुर थे, और इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण औरंगजेब ने इनको मरवा दिया था। और शीशगंज में जो गुरुद्वारा है, जब आप चांदनी चौक से एग्जिट करते हैं दिल्ली में, मतलब रहते हैं तो आपने शायद देखा होगा, तो वहाँ पे शीशगंज एक वृक्ष भी है जहाँ पे इनको मारा गया था, वो पेड़ आज भी वहाँ पर लगा हुआ है। वो आप चाहें तो, अगर दिल्ली में रहते हैं तो आप देख सकते हैं। तो इस तरह के हिस्टोरिकल प्लेस अगर आप जाके देखते हैं तो आपको आसानी से और भी चीज़ें काफ़ी याद हो पाएंगी। लेकिन अगर समय काफ़ी कम है तो केवल बुक पे फोकस करिए, वीडियो पे फोकस करिए और अपनी स्टडी की प्लानिंग करिए। ये चीज़ें तो खैर आराम से आप घूमते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अभी फिलहाल बढ़ता हूँ मैं अगले पॉइंट की ओर, कि हरगोविंद सिंह अपने को सच्चा बादशाह कहते थे और सिंह शब्द जोड़ने का प्रचलन किसने करा था? अब थोड़ा सा हम इसकी डिटेल के बारे में पढ़ते हैं। इन्होंने सिक्कों के लिए 5 ककार अनिवार्य किए, अर्थात प्रत्येक सिख को केस, कंघा, कृपाण, कच्छा और कड़ा, जो हाथ में लोग कड़ा पहनते हैं ना, मतलब कि चांदी वाला, उसको रखने की अनुमति दी, और सभी लोगों को अपने नाम के अंत में सिख शब्द जोड़ने के लिए कहा। अगला जो पॉइंट है वो है आपका पाहुल प्रणाली की शुरुआत किसने करी थी? गुरु गोविंद सिंह ने करी थी। और इसके बाद में बात करता हूँ आपसे बंदा का उद्देश्य क्या होता है। बंदा का उद्देश्य पंजाब के एक सिख राज्य स्थापित करने का था। इसके लिए इन्होंने लोहगढ़ को राजधानी बनाया। इन्होंने गुरु नानक एवं गुरु गोविंद सिंह नाम के सिक्के भी चलवाए। ईस्वी में रणजीत सिंह लाहौर का शासक बना। 20 अप्रैल 1809 ईस्वी को चार्ल्स मेटकॉफ और महाराजा रणजीत सिंह के बीच में अमृतसर की संधि हुई। इसके बाद हम बात करते हैं लॉर्ड डलहौजी की 29 मार्च 1849 की घोषणा द्वारा संपूर्ण पंजाब का विलय अंग्रेजी राज्य में कर दिया गया और महाराजा दिलीप सिंह को 50,000 पौंड की वार्षिक पेंशन दी गई और उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। सिख राज्य का प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर की कोहिनूर जो था को महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया। बच्चों आज के इस वीडियो में बस केवल इतना ही, और मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि आप कभी भी वीडियो को देखते हैं तो अपने साथ एक बुक को लेकर बैठिए लूसेंट की, उसमें हाईलाइट करना मत भूलिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और एक सूचना और मैं आपको दे देना चाहूँगा कि काफ़ी सारे स्टूडेंट मैंने देखा है कि बच्चे वो केवल ऑफलाइन वीडियो सेव कर लेते हैं और ये काम वो कल पे छोड़ देते हैं या परसों पे। अगर ऑफलाइन अगर आप सेव कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि कल पढ़ूंगा परसों पढ़ूंगा, तो शायद काफ़ी बच्चों की कल और परसों कभी नहीं आती। वो केवल एक ऑफलाइन लिस्ट में आप लोगों के लिए एक तरह से ऑफलाइन ही सेव रहेगा, आप उसको पढ़ नहीं पाएंगे। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप वीडियो को ऑनलाइन देखिया करिए, अगर डाटा की कोई दिक्कत है तो ऑफलाइन सेव कर लो। लेकिन ऑफलाइन अगर आप सेव करते हैं तो उससे केवल एक प्रॉब्लम ये होती है कि ये वीडियो का व्यू कम हो जाता है और ये यूट्यूब के सर्च इंजन में ये वीडियो काफ़ी नीचे तक पहुंच जाएगा, तो ये सर्च इंजन में नहीं आ पाएगा। तो इसलिए औरों को भी हेल्प करनी है तो हो सके तो मैक्सिमम अगर आप ट्राई कर सकते हैं तो